जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, व्याख्यान विधि क्या होती है, भाषण विधि इंग्लिश में, जिसको हम लेक्चर मेथड कहते हैं। दोस्तों टीचिंग्स मेथड का ये भी एक पार्ट है, जिसे हम लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि या भाषण विधि कहते हैं। दोस्तों आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये होता क्या है। नाम से ही आपको पता है, व्याख्यान, भाषण, लेक्चर। आइए जरा देख लेते हैं। तो बात करते हैं कि क्या होता है, इसको कैसे क्या है, इसका अर्थ सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ, देखिए शिक्षण में व्याख्यान विधि का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है। आज भी भारतीय विद्यालयों में इस विधि ने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर रखा है। व्याख्यान का तात्पर्य पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाना, पता है। लेक्चर का मतलब जब क्लासरूम में टीचर आते हैं तो भाषण के तौर पे, लेक्चर के तौर पे बच्चों को बताते हैं, इसी विधि को हम भाषण विधि कहते हैं, लेक्चर मेथड कहते हैं। इसमें शिक्षक अपने मुख से बात कहकर पढ़ाता है। बाइनिंग इसको कथन विधि, टेलिंग मेथड के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। एक और नाम याद रख लीजिए, बाइनिंग व बाइनिंग। व्याख्यान विधि शिक्षण में अपना अद्वितीय स्थान रखती है। इस विधि द्वारा शिक्षक गहन एवं सूक्ष्म विषय वस्तु को सरलता तथा सुबोध बना सकता है। शिक्षक इसके प्रयोग में व्याख्यान के साथ साथ स्वयं प्रश्नों द्वारा पाठ का विकास करता चलता जाता है और छात्रों के प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करके विषय वस्तु की विवेचना करता है, मतलब डिस्कस करता है। सिंपल सी कहने की बात वो है कि वह शिक्षण व्यवस्था, वह शिक्षण विधि जिसमें एक शिक्षक विद्यार्थियों को लेक्चर के माध्यम से, भाषण के माध्यम से या फिर कथन विधि के माध्यम से पढ़ाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? व्याख्यान विधि कहलाता है। इसमें जो टीचर होता है वह इसको एक्सप्लेन करता है अपनी बातों से बोलकर, ठीक है। तो ये हो गई व्याख्यान विधि के बारे में। अगर हम व्याख्यान विधि की उपयोगिता, लाभ की बात करें, एडवांटेज के बारे में बात करें कि इसके फायदे क्या हैं, तो देखिए इसके लिए छात्रों को प्रेरित करने में सहायक। शिक्षण कार्य में अध्यापक को सर्वप्रथम छात्रों को प्रेरित करना होता है, तो हम लेक्चर के माध्यम से बच्चों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। व्याख्यान विधि इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्ययन के विभिन्न प्रकरण जैसे ऐतिहासिक घटनाएं, महापुरुषों की उपलब्धियां, विभिन्न आंदोलन, भौगोलिक तथा तथ्य एवं परिवर्तन आदि सरल एवं सुबोध शब्दों में वर्णन करने से छात्र क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। दूसरा, इसका फायदा क्या है, इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है। शिक्षक तथा शिक्षार्थी के संपर्क को सरल बनाने में उपयोगी, ठीक है। हम जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज़्यादा हमसे बात करेंगे, जितना उन्हें लेक्चर देके पढ़ाएंगे, हमारा एक रिलेशनशिप भी अच्छा बिल्ड होगा, हमारा जो संपर्क है वो भी काफ़ी अच्छा बनता जाता है लेक्चर मेथड से। स्पष्टीकरण का महत्वपूर्ण स्थान, देखिए कोई चीज़ आप थ्योरी जब किताब के तौर पे पढ़ लेंगे तो उतना समझ नहीं आता, लेकिन जब हम इसको लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं तो उन पॉइंट्स पे क्या होता है, स्पष्टीकरण आता है, ठीक है, क्लैरिफिकेशन आती है। चलिए, समय और शक्ति की बचत में उपयोगी, सही बात है। लेक्चर मेथड से क्या होता है, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा लिखने पे जोर नहीं दिया जाता, बहुत ज़्यादा आपके कॉपी पेस्ट पे नहीं, आपको लेक्चर में आपके क्या समय भी बचती है और आपकी शक्ति भी बचती है, सही है। चलिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी, जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, जो बस बहुत जल्दी से समझ जाते हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण मेथड होता है। अब और अगर हम गुण की बात करें तो वो है कि इसकी समय बचत होती है। इसके द्वारा पाठ्य वस्तुओं का ज्ञान विस्तार से दिया जाता है। व्याख्यान पद्धति द्वारा छात्रों में किसी भाषण को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत का निर्माण होता है, ठीक है, सुनने की क्षमता, सुनने की आदत भी अच्छी होती है। यह विधि उच्च कक्षाओं में अधिक प्रयोग की जाती है, सही बात है। बड़े क्लासेस में आपको बिल्कुल नोट्स नहीं लिखवाया जाता, वहाँ पे टीचर लेक्चर देके चला जाता है, आपको घर पे आके अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाना होता है। इसके द्वारा गहन एवं भ्रामक विचारों को सरलतापूर्वक स्पष्टीकरण किया जाता है, ये इसके गुण हो गए। अब जहाँ गुण है वो दोस्तों वहाँ पे दोष भी होंगे। अगर हम दोष की बात करें तो यह विधि रुचि के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, मतलब मान लीजिए आप कोई लेक्चर दे रहे हैं तो ये भी संभव है कि बच्चे को उस चीज़ में रुचि नहीं है, ठीक है, तो रुचि के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यह विधि छोटी कक्षाओं पर, अब मान लीजिए LKG हो गया, Class 1 या Class 2, वहाँ पे आप लेक्चर नहीं दे सकते, वहाँ पे बच्चों को ध्यान से लिख के पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब आइए, इस विधि के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि छात्रों को निष्क्रिय श्रेयता देता है, श्रोता बनाती है। मतलब वास्तव में लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर बहुत ज़्यादा लेक्चर देते हैं, स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं होता, तो यह आरोप लगता है कि इसमें जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं, वो बस सुनने वाले बन के रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें एक्टिविटी करने का मौका नहीं मिलता। इस पद्धति द्वारा शिक्षण को सजीव बनाने वाले उपकरण शिक्षक को उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान अस्थायी और वास्तविक नहीं होता, मतलब लेक्चर कभी कभी चीज़ें मिस भी हो जाती है, ठीक है, तो अस्थायी नहीं हो पाता, तो ये सारी चीज़ें क्या क्या हो गए, दोष हो गए। तो दोस्तों इसमें ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इससे कुछ पूछता है तो लगभग यही सारे सवाल पूछते हैं कि व्याख्यान विधि से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके लाभ और इसके हानि क्या है, इसके गुण और इसके दोष क्या है।
मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपसे ये प्रश्न पूछे तो आप आसानी से कर लेंगे। जी हाँ बिल्कुल कर लीजिए, बस समझने वाली चीज़ है, इसमें कोई नहीं। बाकी की जो शिक्षण विधियाँ हैं हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे, वन बाई वन करके हम सब चीज़ को खत्म करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये एग्जाम्स में आएगा तो आप लिख लेंगे? जी हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, मुझे बहुत खुशी होगी, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य शिक्षण विधि के साथ। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।